मेवात इलाके में लगातार युवाओं का खाने का शौक सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में मेवात इलाके में अलग अलग जाकर के रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की नई तरीके की और स्वादिष्ट डिश बनाई जा रही हैं। ऐसे में हाल फिलहाल में ताउड़ू में दिल्ली दरबार नाम से रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसकी ओपनिंग जावेद अहमद के सुपुत्र अदीब जावेद और साथ ही जावेद चेयरमैन ने इनकी ओपनिंग की है, जहां पर रिबन काट करके इसके अलावा जो यहां के युवा थे उनका जोश खरे देखने को मिल रहा है। खैर, जिस तरीके से लगातार मेवात के युवा तिजारत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में दोनों ही शख्सियत क्या कुछ कहती हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चेयरमैन साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल मेवात के युवाओं को इन खाने का शौकीन होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, और जिस तरीके से तिजारत की ओर बढ़ रहे हैं मेवात के युवा, क्या कुछ संदेश है आपका? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि हमारे मेवात के युवा पहले तो शिक्षा पे ध्यान दें जी। शिक्षा पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जी, मेवात भी बढ़ेगी और युवा भी बढ़ेंगे जी। और साथ के साथ अपने जो बिजनेस है वो भी करना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस भी करें, बिजनेस करेंगे जब ये आगे बढ़ेगी मेवात जी। आज आप दिल्ली दरबार में आए हैं, दिल्ली दरबार के युवाओं ने आपको बुलाया है, उनको क्या कुछ संदेश है? इन दिल्ली दरबार जिस क्या नाम शफ़ाकत अली ने खोली है जी। दिल्ली दरबार हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें जी, और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, उनकी कारकर्मी में बरकत होनी चाहिए, ठीक है ना। जावेद जी के सुपुत्र हैं अदीब जावेद जी। अदीब जावेद जी सबसे पहले तो नौजवान हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि आप एक नौजवान हैं, कैसे देखते हैं युवाओं की इस तिजारत को, इस जो लगातार लोग बिजनेस कर रहे हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एजुकेशन की साइड इन्हें ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, तो जितना हो सके मेवात को एजुकेशन की साइड ध्यान देना चाहिए जी, ताकि वो आगे कुछ बन पाए। बिजनेस से मेवात के युवा अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं जी। चलिए, एक बुजुर्ग साथी हैं, आपका नाम क्या है? सरपंच साहब। सरपंच साहब जी, जो ताउड़ू में आज इन युवाओं ने जो ओपनिंग की है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश है? क्योंकि अगर बिजनेस होगा तभी मेवात के युवा अपने मेवात को डेवलप कर सकते हैं, मेवात को और आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, बिजनेस और पढ़ाई दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है जी, और आज ये भी एक बिजनेस ही है, और ये इसके लिए हमें बड़ी खुशी है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल जो भी परिवार है इसके सहारा से अच्छा, अब हम तो कहते हैं अच्छी होटल चले इसकी बढ़िया, और अच्छा परिवार पड़े। चलिए, देखिए रेस्टोरेंट तो बहुत सारे खोले जा रहे हैं, लेकिन इस दिल्ली दरबार में क्या कुछ खास है वो तो यहाँ के मालिक बता सकते हैं, जो यहाँ के ओनर है। हाँ जी, क्या नाम है? शफ़ाकत अली मेरा नाम। सबसे पहले तो मैं जो तमाम भाई हैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुझे सेवा का मौका दिया, और ताउड़ू को नज़र में रखते हुए यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है जी। और हम सबसे बेहतर क्वालिटी वैरायटी देंगे, सबसे अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा खाना खिलाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी हम बेहतर से बेहतर वैरायटी दें जी जी। चलिए, ये शफ़ाकत जी थे, लेकिन देखना ये है कि क्या वास्तव में दिल्ली दरबार लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाता है या नहीं। इसके अलावा जितने भी मेहमान यहाँ पर आए, उन सब ने कहा है कि इनकी कारकर्दगी में बरकत होनी चाहिए, साथ ही एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जितना ज़्यादा मेवात पढ़ेगा उतना ज़्यादा मेवात आगे बढ़ेगा। ताउड़ू के इस दिल्ली दरबार के उद्घाटन पर आ पहुँचे हैं युवाओं के चहेते सलमान जी, जो कि जिम ट्रेनर हैं और लगातार युवाओं के लिए एक मिसाल भी हैं कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, और लगातार जो यहाँ के युवा हैं वो इनका बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। अब जब सलमान हमारे साथ मौजूद है तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चाहिए उन्होंने दिल्ली दरबार से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके का खाना, किस तरीके की वेराइटी यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों जी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हेल्थ के लिए जिम करना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं कि जिम करो और कुछ खाओ ना। एक रेस्टोरेंट खुला है, आप सबको एक बार मौका देना चाहिए और खाने पे ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, आप सब मिलकर एक बार इसको सपोर्ट करो। और ये हमारा एक ताउड़ू में तीसरा रेस्टोरेंट है, एक बार इस पर भी मौका दो, और जितने भी हमारे भाई है और मिल बांट के यहाँ पर आओ। अच्छा सलमान जी, एक सवाल ये है कि मेवात इलाके में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाते होंगे खाना खाने के लिए, लेकिन एक अलग प्रकार की वैरायटी क्या कुछ चाहते हैं एक रेस्टोरेंट से आप?
जो भी हो सके, हम तो जैसे जिम वाले बच्चे हैं, जैसे बॉयल चिकन है, बॉयल एग है, मतलब राइस है, जितना हो हमें तो यही चाहिए, बाकी तो क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो बार बार बच्चे आएंगे यहाँ पे, यही बात है। चलिए सलमान जी ने सारी बातें बता दी हैं कि आज के जो युवा हैं वो जिम की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, ऐसे में क्या कुछ एक रेस्टोरेंट से चाहिए होता है और साथ ही किस तरीके की क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में दिल्ली दरबार अपनी छाप युवाओं के ऊपर छोड़ पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।